हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आई के बारे में देखो तो यहाँ पर फ्राइडे के दिन देखते हो तो बड़ी गिरावट हुई शेयर में अगर आप देखते हो तो कॉन्टीन्यूसली इस हफ्ते नेगेटिव मोमेंट देखने को मिला और साथ के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रोकरेज हाउसेज भी अभी इस पर बियरिश नज़र आ रहे हैं तो क्या सच में इसमें से एग्जिट करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी कोई ऑप्शन है जिसको हम होल्ड कर सकते हैं तो वीडियो के एंड तक अगर आपने देख लिया तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पर लगभग तीन परसेंट ज़्यादा की गिरावट आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी और शेयर दो सौ अट्ठाईस रुपये पर क्लोजिंग देते हुए नज़र आया था यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 235 के आसपास ये ओपन हुआ था वही इसका हाई भी था उसके बाद कॉन्टीन्यूसली ड्रॉप आपको देखने को मिला और लगभग तीन परसेंट की गिरावट के साथ ये मार्केट में आपको क्लोजिंग देते हुए नज़र आया जहाँ मैं आपको बता रहा था कि पिछले अगर आप देखते हो पाँच दिनों में यानी कि जो प्रीवियस वीक रहा है मंडे से लेकर फ्राइडे तक इस शेयर में आपको कॉन्टीन्यूअसली गिरावट ही देखने को मिली है लगभग पाँच परसेंट की और वहीं एक महीने में देखें तो भी आपको कंसोलिडेशन फेज़ ही नज़र आ रहा है लगभग आठ सवा आठ परसेंट का पिछले छः महीने में आपको पचास परसेंट से ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं और वाई इसने आपका पैसा डबल किया है यानी कि यहाँ पर 2024 इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा है इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है दोगुना कर दिया है ऑलरेडी और अगर हम यहाँ पर एक साल के रिटर्न देखते हैं तो वो लगभग तीन सौ परसेंट है चार गुना पैसा आपका हो चुका है तो इतने बेहतरीन स्टॉक में क्या अब एग्जिट करने का टाइम आ चुका है क्या इस स्टॉक की जगह अब हमें कोई दूसरे स्टॉक में पोजीशन ले लेनी चाहिए तो मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूं जैसे कि यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस दो वीडियोस बनाई हैं और एक में आई के बारे में डिस्कशन किया है एक में सुजलॉन के बारे में तो दोनों में ही मैंने आपको जो बेसिक आज का जो एजेंडा रहा है वो ये रहा है कि आपको एक आइडिया दे दिया जाए कि जिन भी स्टॉक की आप वीडियो देख रहे हो उसमें क्या लेवल्स आने वाले टाइम में हिट हो सकते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हो तो एक सौ के टारगेट निकल कर आ रहे हैं यानी कि वन के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आई के आप यहाँ पर पा देख पा रहे हो कि अगर शेयर 250 से ले लेकर 260 रुपए तक जाता है तो वहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो इफ आई आर डी ये शेयर रिकवर फ्रॉम यर द एनलिस्ट सजेस्टेड कंसिडरिंग एन एग्जिट अराउंड 250 फिफ्टी टू टू देखो दो लेवल आपके सामने आ गए 190 और दूसरा लेवल है 260। यहाँ का टारगेट आपको दिया जा रहा है कि ये टारगेट है यहाँ से अगर शेयर पहुँच जाता है तो भी एग्जिट का ही जो सिनेरियो है बताया जा रहा है आप यहाँ पर देखोगे तो फ्राइडे का सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस किया ऑलरेडी कि तीन परसेंट की गिरावट थी टेक्निकल एनालिस्ट राज राजेश सतपुडे जो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आई ई में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ यानी कि अगर आप देखते हो ये वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं होता ब्रेकआउट आता तो चांसेस बनते एक रिकवरी के लेकिन अब जिस अकॉर्डिंग सिनारी बने तो इस ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है आई आर ई डी ए का तो इसलिए सजेशन आया है कि आपको यहाँ से एग्जिट कर देना चाहिए और लेवल्स मैंने आपको बताए सी एन वी सी आवाज़ पर इन्होंने इस चीज़ के बारे में खुलासा करा और इन्होंने बोला है कि ये जो ब्रेकआउट है वो क्लियरली बोल रहा है कि यहाँ से ओवरऑल चीज़ें जो हैं वो बाइंग सिग्नल की तरफ तो जा रही हैं लेकिन जिस अकॉर्डिंग स्टॉक मूव कर रहा है तो इन्होंने बोला है कि आप एक दो सौ का यानी कि टू थट्टी का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर शेयर जो है वो दो सौ के लेवल तक पहुँच जाता है तो फिर ये 190 तक भी जाते हुए नज़र आ सकता है तो ओवरऑल अगर हम इनका केवल इनका व्यू पॉइंट माने तो यहाँ पर तो सीधा सीधा जो व्यू पॉइंट है वो यही बताया जा रहा है कि शेयर में आने वाले टाइम में आपको गिरावट हो सकती है अगर ये ऊपर भी जाता है तो भी आपको एग्ज़िट ही करना चाहिए ये सिनेरियो इनके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल रहे हैं इन्होंने तो ये भी बोला है कि अगर यहाँ से शेयर जो है वो अपसाइड डायरेक्शन में जाके 250 से 260 के भी आसपास आ जाता है तो भी आपको एग्ज़िट ही करना देना चाहिए अब देखो ओवरऑल यहाँ पर जो आर चल रहा है वो चल रहा है लगभग थर्टी एट का आर एस आई तीस से नीचे जाएगा तो ओवर है यानी कि अभी ये शेयर एक टाइप से न्यूट्रल ही नज़र आ रहा है फ्लिप कैपिटल के एनालिस्ट हैं वो भी अगर आप बोल रहे हैं कि जो आयर ई डी ए में जो यहाँ पर रैली बनी उसके पीछे का रीज़न क्या है उसके पीछे का रीज़न है पैसिव इनफ्लो ठीक है तो पैसिव इनफ्लो ही इस रैली का रीज़न है फंडामेंटली एस सच कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा है और ना ही कोई एस सच कोई बड़े रिकमेंडेशन आई है लेकिन इन्होंने तो हालत और ही ज़्यादा ख़राब बता दी देखो कितना है सेल की रिकमेंडेशन है 130 के टारगेट हैं तो यहाँ पर जो शेयर अभी 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है 230 के आसपास ट्रेड कर रहा है सीधा उसका टारगेट निकल कर आया एक सौ मेरे ख्याल से इतना तो ये शेयर नहीं जाएगा अब आप ये बोल दो कि 130 जाएगा अगले एक साल के अंदर अंदर तो वो बात अलग है तो वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें होंगी वो नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म में चीज़ें क्या हैं मेरे ख्याल से एक पर तो ये नहीं जाना चाहिए आप अपना ओपिनियन भी अभी के अभी यहाँ पर आप मैंशन कर देंगे तो बेटर रहेगा तो कॉमेंट में अपना ओपिनियन इस पर्टिकुलर चीज़ पर जरूर मैंशन करिए जहाँ तक मुझे लगता है इतना नीचे नहीं जाना चाहिए अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाली बन रही है आई सी आई सी आई सी आई यानी कि जो रिटेल स्टॉक्स को भी कवर करते हैं आजकल, जो इन्होंने यस बैंक को भी कवर किया है साथ के साथ फिर सुजलॉन को भी कवर किया है अस्सी रुपये के टारगेट दिए वीडियो मैंने डाली है जाके पूरी देख लेना अब इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर बाई करो बाई के साथ साथ तीन सौ तीस रुपये के टारगेट जो आईसीआईसीआई काफ़ी ज़्यादा सेफ खेलता है उसने आई का टारगेट सीधा 330 बता दिया जो शेयर 220 पर ट्रेड कर रहा है उसका टारगेट 330 बता दिया है यानी कि लगभग एक सौ के आसपास का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द आई डायरेक्ट तो अब यहाँ पर हो गया आपको कन्फ्यूज़न तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो आपने यहाँ पर सारे ब्रोकरस की राय देख ली ठीक है आपने ब्रोकर की राय देख ली है कि क्या क्या है कोई कह रहा है कि सेल कर दो ढाई सौ तक भी जाएगा तो भी सेल करो तो कोई कह रहा है एक सौ तीस पर चला जाएगा तो कोई कह रहा है तीन सौ तीस पर तो यहाँ से सॉल्यूशन तो निकला नहीं सॉल्यूशन बस इतना है आपने सबकी राय देख ली है अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आप इस स्टॉक में जो बने हुए हो वो शॉर्ट टर्म के लिए बने हुए हो या लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में बने हुए हो और आपको भी थोड़ा सा रुकना है तो आप इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलो स्ट्रिक्ट वाला ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ आपको मोमेंटम जरूर देखना है टाइम टू टाइम और कंपनी में क्या कुछ चल रहा है उस हिसाब से आपको यहाँ पर जैसे मान के चलो आपने सोचा कि मुझे हंड्रेड परसेंट के रिटर्न मिल जाए तो जैसे ही ये रिटर्न मिलते हैं एक टारगेट सेट कर लूँ मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपने सोचा कि मुझे बस इसमें बीस से पच्चीस के रिटर्न मिल जाए तो जैसे ही ये रिटर्न्स आपको मिले आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए पार्शियल वाली और वो मैं बहुत बार आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करी जाती है तो आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि मुझे इस स्टॉक से इतने रिटर्न चाहिए जैसे ही रिटर्न मिलेंगे मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा ये लॉन्ग टर्म का सिनेरियो हो और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये है पूरी कवरेज आई आर ईडीए पर मैंने आपके सामने रख दिया फिलहाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा